तरफ देखिए, स्लिप के राइट साइड दाहिने तरफ एक अलिफ लिखी, उस पर एक लकीर खींची और ब्लैकबोर्ड के तरफ देखिए, हम इसका नाम रखेंगे जबर 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 और एक अलिफ लिख, अब नीचे एक लकीर दी, इस हरफ का भी हम, इसका भी हम नाम रखेंगे, ध्यान दीजिए, ऊपर का नाम जबर जबर जबर, नीचे का नाम जेर, ऊपर का नाम जबर नीचे का नाम जेर, ऊपर का नाम जबर नीचे का नाम जेर, जबर कहा ऊपर, जबर के माना ऊपर, ऊपर जबर के माना ऊपर, जबर के माना ऊपर, जबर के माना ऊपर, जेर कहा नीचे, जेर के माना नीचे, जेर के माना नीचे, जेर के माना नीचे, हमारे गांव में एक पहलवान है, हर लड़ाई में आई बस समझ में, वो जबरदस्त लड़ते हैं, जबरदस्त लड़ते हैं, और लोग भी कहते हैं कि ये जबरदस्त पहलवान, लोग भी कहते हैं कि ये जबरदस्त पहलवान। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पहलवान लड़ाई के वक्त किधर रहता, नीचे या ऊपर? ऊपर, तभी तो जबरदस्त। ये कहाँ है? ऊपर, इसीलिए तो ये जबर है। और दूसरा पहलवान तो जेर हो जाता है, नीचे नीचे जाता है, इसीलिए तो ये नीचे। याद रखेंगे, जबर के माना ऊपर, जबर के माना ऊपर, जेर के माना नीचे, जेर के माना नीचे, और एक अलिफ लिखेंगे, उस पर भी जबर देंगे, लेकिन जबर तो हो चुका ना, इसलिए आपको करना क्या है, बीच से इस तरह गोल बने, इसका भी हम नाम रखेंगे, ध्यान दीजिए, पेश 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 पेश। अब हम बताएंगे, ये नहीं पूछेंगे पेश कहाँ, हम बताएंगे पेश का माना क्या है, ध्यान दीजिए, जब हमें भूख लगती है तो हम घर जाते और अम्मी से और बीबी से हम क्या कहते हैं कि भूख लगी है खाना पेश करो, भूख लगी है खाना पेश करो, मतलब खाना किधर रखने का, सामने या पीछे? सामने। अरे बस समझ में, पेश करो मतलब खाना सामने रखो, मेरे आगे रखो, हम पेश का तर्जमा करेंगे आगे, पेश के माना आगे, आगे पेश के माना आगे, पेश के माना आगे, पेश के माना आगे, पेश के माना आगे, सबर के माना ऊपर, सिर के माना नीचे, पेश के माना आगे, सबर के माना ऊपर, सिर के माना नीचे, पेश के माना आगे, ब्लैक बोर्ड के तरफ देखिए और एक अलिफ लिखिए, उस पर इस तरह बनाई, इसका भी हम नाम रखेंगे, ध्यान दीजिए, जज़म 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 के माना ठहरना, 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 ज़बर कहाँ? ऊपर, तो ज़बर की आवाज जाएगी ऊपर, जेर कहाँ? नीचे, जेर के माना नीचे, जेर की आवाज किधर जाएगी? नीचे, नीचे जाएगी,
पेश के माना आगे, तो पेश की आवाज आगे आगे हो जाएगी, समझ लीजिए। और अगर जज़्ब है तो सब की आवाजें रुक जाए। किसी हरफ पर अक्षर पर अगर जज़्ब है तो वहां तो आवाज ठहर जाएगी, वहां आवाज रुक जाएगी, समझ लीजिए। जबर के माना ऊपर, जबर के माना ऊपर, जबर की आवाज किधर जाती है ऊपर, ऊपर को जाती है, जबर की आवाज ऊपर को जाती है, जबर की आवाज ऊपर जाती है। जेर के माना नीचे, जेर की आवाज नीचे, नीचे को जाती है, जेर की आवाज नीचे। पेश के माना आगे, तो पेश की आवाज आगे को जाती है। और जज़्ब है तो सब की आवाज ठहर जाती। और एक अलिफ लिखिए, और एक अलिफ लिखिए, उसके ऊपर इस तरह बनाइए, इसका भी हम नाम देंगे तशदीद, 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 तशदीद के माना तो है शदीद, और शदीद कहते हैं सख्त। तशदीद के असर जो माना है वो सख्त है, लेकिन ये तर्जमा मैं बाद में करूंगा, आज जो तर्जमा करूंगा वो है डबल। तशदीद के माना डबल, 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 मतलब इसमें दोनों चीजें पाई जाएगी, चलना भी ठहरना भी। जबर की आवाज किधर जाती है ऊपर, यानी आवाज चलती नहीं चलती। जेर की आवाज किधर जाती है, आवाज चलती नहीं चलती। पेश की आवाज किधर, आवाज चलती नहीं चलती। और जज़्ब है तो सबकी आवाज रुक जाती है, ठहर जाती है। और अगर तशदीद है तो एक बार पहली बार आवाज रुकती है, बाद में आवाज चलती है, दो माना इसमें पाए जाए। ये तो तफसील मैं आपको बाद में समझाऊंगा, याद रखेंगे। चलिए, ये क्या है, जबर, जबर, जबर के माना ऊपर, जबर के माना ऊपर, जबर की आवाज ऊपर जाती है, जबर की आवाज ऊपर जाती है। ये क्या है, जेर के माना नीचे, जेर की आवाज नीचे, नीचे को जाती है, जेर की आवाज नीचे। ये क्या है, पेश के माना आगे, पेश की आवाज आगे को जाती है। ये क्या है, जज़्ब के माना ठहरना, जज़्ब के माना ठहरना, यहाँ आवाज ठहर जाती है। तशदीद, 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 तशदीद के माना डबल, तशदीद के माना डबल, तशदीद के माना डबल, यहाँ दोनों चीज पाई जाती है, चलना भी और ठहरना, चलना भी और ठहरना, याद रखेंगे इंशाअल्लाह। इसको समझ लीजिए,